हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय कल्कि अवतार। ये है आज मेरे वीडियो का टॉपिक। क्यों चुना है मैंने अपने वीडियो के लिए ये टॉपिक, इन्हीं सब बातों की चर्चा आज मैं आपको अपने वीडियो में करने वाली हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है, देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। रेनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड बाय कल्कि अवतार, इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि वेदों पुराणों में जो भी भविष्यवाणी की गई है, जो भी बतलाया गया है कि कलयुग के अंत में ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, वो सब कुछ आज मैं देख रही हूँ कि शुरुआत उसकी हो चुकी है। यानी कल्कि भगवान की लीला जो होने वाली है कलयुग के अंत में, उसका ट्रेलर मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। उसकी शुरुआत उन्होंने अपने ढंग से, अपने तरीके से उसकी शुरुआत कर दी है। अब मैं आती हूँ उन बातों पे कि कैसे मैं समझ पा रही हूँ कि कल्कि भगवान की लीला स्टार्ट हो गई है। उसके लिए मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल्स देना चाहूँगी। पहला एग्जाम्पल्स मैं दूंगी आपको चाइना का। चाइना में आज पावर फेलियर के कारण फैक्ट्रीज का क्लोज होना, उसके अलावा चाइना की इकोनॉमी डाउन हो रही है। जो चाइना अपने आप को सुपर पावर कहता था, जिस चाइना ने न जाने कोरोना के वायरस फैलाकर कितने लोगों की जान ले ली, आज वही चाइना को अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको केरला का। आज देखिए केरला में बाढ़ के जो हालात बने हुए हैं, आप लोग कहेंगे ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के पीछे भी कहीं ना कहीं हम मनुष्यों का ही हाथ है। किस प्रकार? क्योंकि जो नेचुरल पर्वत भगवान ने इस सृष्टि को दिए, मनुष्य ने अपने कुकृत्यों के द्वारा उन पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाए, संकरे रास्ते बनाए गए और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया गया, जो कि आज बाढ़ के कारण और ग्लेशियर के पिघलने के कारण और वही पहाड़ आज टूट रहे हैं, रास्ते बंद हो जा रहे हैं, हाईवे जाम हो रहे हैं और उनके द्वारा किया गया निर्माण, उनकी मेहनत आज मिट्टी में मिल जा रही है। इमारतें, आज बड़ी बड़ी इमारतें कोलैप्स हो जा रही हैं इन्हीं प्राकृतिक आपदा के कारण, जिनके लिए कहा गया है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी और भयंकर जल प्रलय होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राकृतिक आपदा, इसके कारण आज चाइना की जो कंडीशन है उसके कारण, आज तालिबान की जो कंडीशन हुई उसके कारण, अफगानिस्तान में जो मचा हुआ है, चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं कल्कि भगवान की लीला ही है, उनकी जस्टिस है। उनका जजमेंट डे जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कल्कि द्वारा किए गए प्रहार और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी प्राकृतिक रूप से कल्कि अवतार हर किसी को वार्निंग देने में लगे हुए हैं, क्योंकि रेनोवेशन करने का काम जो होता है, हमारे घर का भी यदि हम लोग रेनोवेट करते हैं अपने घर को, जो टूट फूट गया है और उसमें हम लोगों को फिर से रेनोवेट करके उस चीज को अच्छा बनाना है, रेनोवेशन इसे ही कहा जाता है, तो उसमें भी हम लोगों का एक दिन का काम नहीं होता है, कई दिनों का काम होता है। उसी प्रकार ये सृष्टि जो आज पूरी तरह खराब हो गई है, पूरी तरह से विनाश के दौर पर खड़ी है, पूरी तरह से आज सृष्टि की जरूरत है कायापलट करने की, उसके लिए ही कल्कि अवतार आएंगे, उन्हें आना पड़ेगा। क्योंकि अवतार वो उसी समय लेते हैं जिस समय सृष्टि को, ब्रह्मांड को जरूरत पड़ती है उनके अवतार लेने की, मजबूरी में उन्हें भी आना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मनुष्य एक समय के बाद क्या क्या करने वाला है। ये सब कुछ उनका ही प्लानिंग रहती है, उनकी ही प्लानिंग रहती है, उसी के तहत सारे काम होते हैं। तो उन्हें भी पता है कि ये सृष्टि का निर्माण पुनः एक बार करना है, उसके लिए रेनोवेशन का काम करना जरूरी है, और जिसकी शुरुआत कल्कि अवतार कर चुके हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के रूप में हो, चाहे वो फ्लड के रूप में हो, जल प्रलय हो, कोरोना वायरस हो, चाहे भी किसी भी रूप में हो, या इकोनॉमी डाउन करने के रूप में हो। आप देख रहे हैं कि आज सिर्फ चाइना में ही नहीं, हर जगह दुनिया में पावर फेलियर का खतरा मंडरा रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर व्हाट्सएप भी, आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि व्हाट्सएप बंद हो गए,
उसके बाद इंस्टाग्राम, उसके ऊपर अटैक हुआ। ये सब कुछ लिखा हुआ है कि व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंटरनेट, यानी इंटरनेट जब रहेगा ही नहीं तो ये सारी चीज़ें बेकार की हो जाएंगी। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि कल्कि अवतार ने अपना रेनोवेशन का काम सृष्टि के लिए जो ज़रूरी है वो करना उसकी शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि एक दिन में इस पूरे ब्रह्मांड की काया पलट करना असंभव है। उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी शुरुआत वो धीरे धीरे शुरुआती दौर से करना आरंभ कर चुके हैं। लेकिन इसमें वही लोग बच पाएंगे जो उनके सेल्फलेस डिवोटी होंगे, जो स्वार्थ के वशीभूत होकर भगवान की पूजा नहीं करते कि जब ज़रूरत हुई तब कल्कि भगवान का नाम जप लिया, उनके वीडियोस देख लिए, उनके प्रति अपना अच्छा अच्छा भाव प्रकट कर दिया, और जब ज़रूरत नहीं हुई यानी सुख के दिन आ गए तो हम भूल चुके भगवान को। कौन है वो भगवान, कहाँ है, अरे कुछ नहीं होता है, फालतू बातों के द्वारा भगवान का हमने अपमान भी कर दिया। तो ऐसे लोगों को जो बुद्धिहीन है, जिनमें ज्ञान का अभाव है, कल्कि भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि नहीं बरसाएंगे। तो रेनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे पूरी तरह से ये सृष्टि जिस तरह से आरंभ हुई थी, जो उसका प्रारूप था, उसी तरह की सृष्टि फिर से कल्कि भगवान रेनोवेट करके पूरे वर्ल्ड को चेंज करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि रेनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।